आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहरों को, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिजाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहां पे आना जाना मुश्किल होता है, तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिजाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक नई एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो जिसमें, जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीजों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो, तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। तीन जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली,
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये तीन जो बहुत बड़े स्टेशन्स हैं, इन स्टेशन्स के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर I'm slipping into a very, very short break with that.